नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज शाला में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये खबर है वो थोड़ा हटके है। वो कैसे, आप वीडियो के लास्ट तक समझ जाओगे। दोस्तों, आप सब ने सुना ही होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधु आदमी है। वो सिर्फ 100 रुपए के कपड़े पहनते हैं और दुनिया के मोह माया से दूर हैं। और ना जाने क्या क्या बातें ऐसी उड़ती हैं जो योगी आदित्यनाथ के साधारण जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ के पास इस वक्त कितना धन मौजूद है, उन पर कितने केस पेंडिंग हैं, तो वहीं उन पर कैसे कैसे इल्जामात लगे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले शुरू करते हैं योगी जी के इनकम से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आंकड़े थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो दोस्तों, इनका जो 2016 और 2017 के मुताबिक का इनकम था वो ITR के अनुसार यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न के अनुसार लगभग 8,40,999 रुपये था। तो वहीं इनके पास एक सोने की चैन है जो इनके गले में हमेशा रहती है, उसका जो कीमत है वो लगभग 26,000 के आसपास का है। तो वहीं उनके पास एक कुंडल भी है जिसकी कीमत कम से कम 49,000 रुपये के आसपास है। वहीं योगी जी के पास एक इयररिंग भी है, जी हाँ दोस्तों, जिसकी कीमत लगभग 49,000 रुपये है। क्यों दोस्तों, हैरान रह गए? अभी तो रुको, अभी और भी बहुत कुछ है जो बताना है। इनके पास दो गाड़ी है जिनमें से पहले का नाम टोयोटा फॉर्चूनर है जिसका नंबर काफ़ी फैंसी है, नंबर है 0001, और दूसरे का नाम टोयोटा इनोवा है और इसका भी काफ़ी फैंसी नंबर है जो है 9999। जो आंकड़ों में दिए गए हैं उनके अनुसार उन दोनों गाड़ियों की जो कीमत है वो लगभग 22,00,000 रुपए के आसपास आ जाती है। वहीं इनके पास रिवॉल्वर है जिसकी कीमत करीब 1,00,000 रुपए है। तो वहीं इनके पास एक राइफल भी है, जी हाँ दोस्तों, जिसकी कीमत लगभग 80,000 रुपए है। वहीं आपको बता दे कि योगी आदित्यनाथ के पास खुद के नाम पर एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, जी हां, यहां तक कि उनके नाम पर उनके पास एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन पर कितने केस पेंडिंग है। जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ पर मुकदमे दर्ज हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते हो। 1999 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर महाराजगंज जिले में IPC की धारा 147 के तहत दंगे के लिए एक मुकदमा दर्ज था। तो वहीं IPC की धारा 148 के तहत घातक हथियार से दंगे भड़काने के लिए और IPC की धारा 295 के तहत किसी समुदाय के पूजा स्थल का अपमान करने के लिए, और दूसरा है IPC 297 के तहत कब्रिस्तानों पर अधिक्रमण करने के लिए। तो वहीं आर्टिकल 153A के तहत धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए, और IPC की धारा 307 के तहत हत्या का प्रयास करने के लिए, जैसे तमाम अन्य केस किए हुए हैं जिनका अभी मुकदमा जारी है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहना है आपके सीधे साधे योगी आदित्यनाथ के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय भी जाननी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तब तक के लिए दो इजाज़त, चलता हूँ, नमस्कार।